भारतीय जनता पार्टी शहर जिला द्वारा सोमवार शाम बजरंगढ़ चौराहे स्थित विजय स्मारक पर मानगढ़ धाम के शहीद आदिवासियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहर जिलाध्यक्ष अरविंद यादव के नेतृत्व में भाजपा संगठन के पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्यों के अलावा मोर्चों और वार्ड के कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद आदिवासियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गिरी जी ने एक 33 सूत्रीय मांग पत्र उनके समक्ष रखा कि भीलो और आदिवासियों की जो जमीनें छीन ली गई है, उन पर जो कर लगाए जा रहे हैं, उन पर तरह तरह के जो अत्याचार किए जा रहे हैं, इन सब पर अंकुश लगना चाहिए और उनको राहत मिलनी चाहिए। लेकिन उनकी मांगों पर विचार नहीं हुआ। उसका परिणाम ये रहा कि अंग्रेजों ने मानगढ़ पहाड़ी के दूसरे हिस्से पर तोपे और मशीन गन लगाकर जिस प्रकार से वहां पर उपस्थित महिलाओं, बच्चों और निरीह लोगों को गोलियों से भूनना शुरू किया और लगभग 2000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने वहां पर निर्मम रूप से हत्या करी। आज उन सब शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, गोविंद गिरी जी को सादर नमन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर और हमारे कला संस्कृति प्रकोष्ठ राजस्थान ने यहां पर ये कार्यक्रम आयोजित किया था। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आगे चलने का संकल्प लिया। वहीं महिला मोर्चा अध्यक्ष जयंती तिवारी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जनजाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री प्रकाश मीणा के नेतृत्व में जनजाति मोर्चा के पदाधिकारी आज बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए हैं। गौरतलब है कि अंग्रेजों द्वारा गोलियों से भुने गए 2000 से अधिक आदिवासियों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। मानगढ़ में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। उसके तहत जो हम शहीदों की श्रद्धांजलि मनाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उन्हें हमें याद करना चाहिए, उनकी पुण्यतिथि और उनका जन्मदिन, लेकिन उन पर उनके पद चिन्हों पर चलने की भी कोशिश करनी चाहिए। श्रद्धांजलि मना के छोड़ देना नहीं चाहिए। आज ये बड़ी गर्व की बात है कि यहाँ पर हम सब लोग इकट्ठे हुए और हमने उनको श्रद्धांजलि दी। तरह से देश में ये इतने समय तक हमने मानगढ़ के इतिहास को याद रखा है और मानगढ़ के इतिहास को हम आज भी श्रद्धांजलि के रूप में आज यहाँ मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला और भारतीय जनता पार्टी कला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की ओर से आज यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।